नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एक पति जो होता है अपनी पत्नी का काफी ज्यादा मान सम्मान करता है, उसे मानता है, जानता है, अपने परिवार के ऊपर पैसे खर्च करता है, अच्छे से लालन पालन करता है। इसके बावजूद भी पत्नी जाके 498A का झूठा मुकदमा लगा देती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने भी अपने परिवार का देख रेख अच्छे से किया है, लालन पालन किया है, इसके बावजूद भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा लग गया है, तो आज जो आपको लिए मैं जजमेंट लेकर आया हूँ, उस जजमेंट की मदद से, और इस जजमेंट में पति ने भी अपने परिवार का काफी अच्छे से लालन पालन किया था, देखभाल किया था, इसके बावजूद भी पत्नी जाके 498A का झूठा मुकदमा लगाई। और जो पति था उसने सारे साक्ष्य दिए कि वो अपने परिवार का सम्मान करता था, मानता था, जानता था, बच्चों के ऊपर खर्च किए, और पत्नी अब झूठा मुकदमा की है। तो इसके आधार पे कि पति काफी अच्छा है, लालन पालन अच्छे से किया, तो इसके आधार पे 498A का फॉल्स मुकदमा क्वेश हुआ है। तो क्या पूरा मामला है, क्या जजमेंट है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV, XXNI, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से आप 498A फॉल्स केस में जीत हासिल करेंगे, कैसे उसे क्वेश कराएंगे, कैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो अगर आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान के चलिए किसी एक जजमेंट में किसी को पति को कोई फायदा मिला है, जैसे 498A फॉल्स केस क्वेश हुआ हो, 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को भरण पोषण ना देना पड़ा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 में जीत हासिल हुई हो, या कोई पति को अन्य फायदा मिला हो और सेम फैक्ट आपका भी है, तो जो फायदा उस पति को उस जजमेंट में मिला है वो फायदा आप त्वरित उस जजमेंट की कॉपी को अपने केस में लगा करके रूलिंग के तौर पर यूज करके फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, जानकारी जुटाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे जो काफी ज्यादा यूजफुल हैं और आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद होंगे। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है, लाइफ टाइम आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिला करेंगे। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो अजय कुमार आर्या वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में आया है। और ये जो मामला है इसमें 498A का फॉल्स केस को इसलिए क्वेश किया गया है कि जो पति था उसने अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से किया, बच्चों की देखभाल की, पत्नी की देखभाल की, इसके बावजूद भी पति ने 498A का फॉल्स केस लगाया, जिस वजह से केस क्वेश हुआ है। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ जो पति है वो डॉक्टर है, जब ये शादी हो जाती है उसके बाद ये लोग ठीक से रहते हैं, इनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। उसके बाद जो पत्नी होती है वो जाकर के थाने में केस दर्ज करा देती है। FIR दर्ज होने के बाद चार्जशीट लगती है और 498AIPC और अन्य धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ होता है, उसमें चार्जशीट लगता है। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं मामले का संज्ञान लेते हैं, उसके बाद जो पति होते हैं क्वेश्चनिंग के लिए हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट में पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जब शादी हो जाती है, शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का काफी अच्छे से देखभाल किया, उसका लालन पालन अच्छे से किया, उसके जो भी खर्चे थे उसने दिए, उसके बाद जब बच्चे भी हुए तो बच्चों की भी उन्होंने अच्छे से परवरिश की, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं और वो भी कमा रहे हैं। जो लड़की है वो LLB करके नौकरी कर रही है, जो लड़का है वो भी अब कमा रहा है, लड़की है जो एक और वो भी अच्छे से सेटल है, तो सबको उन्होंने सेटल किया। और ये सारे साक्ष्य लगाते हैं, जो पत्नी थी वो खुद उनका घर छोड़ करके जाके एक फ्लैट लेकर के रहने लगी। पत्नी ये आरोप लगाती है कि उसे मारपीट के भगा दिया गया, जब फ्लैट में रहने लगी तो वहां भी जाकर के मारपीट किया गया, परेशान किया गया। तो ऐसे में पत्नी ये आरोप लगाती है, लेकिन जो यहाँ पति है वो साबित करता है कि उसने पत्नी का लालन पालन अच्छे से किया, बच्चों का लालन पालन अच्छे से किया। पत्नी ने फिर भी झूठे आरोप लगा दिए क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, काफी क्रूर महिला थी।
ऐसे में जब कोर्ट सारी साक्ष्यों को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि यहाँ पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेतुके आरोप लगाए हैं, बेकार के आरोप लगाए हैं, और पति जो भी चीजें दिखा रहा है, जो अपना पास्ट दिखा रहा है यानी भूत दिखा रहा है, भूतकाल दिखा रहा है, उसमें यही साबित हो रहा है कि जो पति है उसने अपने परिवार का काफी अच्छे से लालन पालन किया, बच्चों की परवरिश की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पत्नी का परवरिश, पत्नी का जो भी खर्चे थे वो सब कुछ दिए, इसके बावजूद भी ये स्थिति आ गई। तो जो पति अपने परिवार की इतनी केयर कर रहा है, मान जान कर रहा है, सम्मान दे रहा है, उससे कैसे उम्मीद की जाए कि वो मारा पीटा होगा, परेशान किया होगा, वो तो खुद अपने बच्चों का और पत्नी का लालन पालन किया है, वो भी काफी अच्छे से। तो यहाँ पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं बेतुके आरोप लगाए हैं, और परिस्थितियों को देख करके ये प्रतीत हो रहा है कि यह मामला बेतुका है, झूठा है, और परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है, और कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, शोषण करने के लिए नहीं है। ऐसे में इस मामले को रद्द किया जाना चाहिए, और जो कोर्ट होता है वो इस मामले को क्वेश्चन कर देता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा मामला है, आपने भी अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन किया है, शादी के बाद आप पत्नी को घुमाने फिराने लेकर के गए हैं, उसके ऊपर खर्च किए हैं, और इन सबका साक्ष्य आपके पास है, आपने ये कोर्ट में अगर दिखा देते हैं कि शादी के बाद मैंने पत्नी के ऊपर खर्च किए, उसको यहाँ ले गया, वहां ले गया, घुमाया फिराया, उसका लालन पालन किया, दवा इलाज कराया, इसके बावजूद भी पत्नी अब कह रही है कि मैंने उसे मारा पीटा, दहेज मांगा, तो ऐसे में ये बात आप साबित कर देते हैं अगर कि आप पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और इसमें आपने कोताही नहीं की है, हर तरह से पत्नी का सम्मान किया है, तो ये जो मामला है वो क्वेश्चन हो जाएगा। आपके इस जजमेंट का अगर यूज करते हैं तो आपकी सफलता मिलने का चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इस जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रुप से जुड़ने का चार्ज 500 रुपए है। आशा कर रहा हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।